जिग्नेश भाई यहाँ पे वड़गाम के अंदर उन्होंने 5 साल में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं और ऑक्सीजन प्लांट बनाया हुआ है और कोविड के टाइम पे उन्होंने फ्री किट्स भी दी हुई है लोगों को। बाकी बहुत सारे काम किए हुए, जैसे उन्होंने यहाँ पे नॉन करप्शन का एक सिंबल है उनका कि वो बिल्कुल करप्शन नहीं किया हुआ है और नेता की तरह उन्होंने कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। उन्होंने लोगों के बीच में रह के लोगों का काम किया हुआ है। इस वजह से जिग्नेश मेवाणी यहाँ पे बहुत अच्छी लीड से आएंगे वड़गाम में। ओवैसी जी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव में लड़ रही है, भाजपा के उम्मीदवार हैं ही, बाकी और पार्टियां भी हैं ही। तो जो ओवैसी जी की पार्टी है उसका कितना असर आपको दिखाई देता है यहाँ है? उनका तो इधर कोई असर नहीं है। ऐसा क्यों? कोई जानता ही नहीं है। AIMI को कोई कानून दर में कोई जानता ही नहीं है। ये कौन सी पार्टी है, कहाँ से आई है, कोई जानता ही नहीं है। MIM का कोई प्रचार ही नहीं होता, इधर हो रहा है। अच्छा, प्रचार किसका ज़्यादा है अभी इधर? जिग्नेश मेवाणी का ज़्यादा, कांग्रेस सरकार। और भाजपा का? भाजपा का बहुत कम हो गया है। पहले पब्लिक परेशान हो गई है भाजपा से। ये आपको लगता है या बाकी लोगों को भी लगता है? पूरे सब पब्लिक के मुँह से सुनना चाहिए। सब न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं कि पब्लिक भाजपा से बहुत परेशान है। गरीब को देखो या अमीर को देखो, हर जगह पे भाजपा को ही सब बोल रहे हैं। अभी कांग्रेस आएगी तो पब्लिक को अच्छा लगेगा। पब्लिक तो बोलती है कि हमको चेंजिंग चाहिए। लेकिन लोग चेंज का मतलब आप समझते हैं परिवर्तन, यानी कि जैसे कि अभी हाँ गवर्नमेंट परिवर्तन चाहिए बस, कि भाई हमको थोड़ी राहत मिल जाए तो भी हम आगे निकल जाए थोड़े, बस उनकी चाहना है सबकी। और इसके लिए सब कांग्रेस के पीछे ही है और बरसों से कांग्रेस का कहीं भी वो ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने काम नहीं किया है। विकास का काम हो, वो मुद्दे पे वो पार्टी को लाना चाहिए जो विकास का काम करे। पार्टी तो बहुत है। मोदी जी तो कह ही रहे कि हम विकास कर रहे हैं। मोदी जी ने तो हम खुद देखते हैं, सारी पब्लिक देखती है कि कितना विकास किया है, कितना ही किया है और कितना सहकार मिला है। लड़ाई यहाँ किसके बीच में है? लड़ाई यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और आम आदमी पार्टी और ओबीसी भी तो लड़ रहे हैं। तो अभी ये पार्टी नई चढ़ रही है। हमारा मुद्दा है तो मेन कांग्रेस का। जो कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपया गैस का सिलेंडर था, अभी 1100 रुपया। गरीब पब्लिक कहाँ जाएगी? जो हमारी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय है वो सरकार बढ़ा नहीं रही है। पहले शुरू में 200-500 महीने का मिलता था, फिर 1000 तक किया। वो 2016 में हमें बहुत बड़ा आंदोलन किया, फिर 1000 का 2000 किया, फिर 50% उसका देने का किया। लेकिन जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ती रही है उतने तेज उनके सामने हमें सरकार को जो हमें वेतन देना चाहिए वो नहीं दे रहे, जिस वेतन से हम महिलाएं सम्मान के साथ जी सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। अभी आपको कितना वेतन यहाँ गुजरात में मिल रहा है आशा वर्कर को? हमारा फिक्स वेतन नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव प्रथा है, उसमें हमें 2000 से 4000 तक का काम पे मिल रहा है। और इतनी महंगाई में हम इतने वेतन में कैसे घर चला सकते हैं? तो यहाँ पर गुजरात सरकार ने क्या किया अभी आप लोगों की मांग को लेकर? हमने बहुत बड़ा इस बार भी 2022 में आंदोलन चलाया और 1 महीने तक का हमने अपने काम से अलग रह के हड़ताल की। तो सरकार ने हमें 2000 पहले बढ़ाए, फिर बाद में हमने अपनी हड़ताल को जारी रखा, फिर उसमें 500 रुपया मिलाया। कुल मिला 2500 रुपये। हाँ, अभी 2500 ज़्यादा बढ़ाए। मैं बोलती हूँ पहले 2000 मिलते थे, अब 2500 तो 4500। अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है तो महिलाएं अपने 4000 या 4500 में घर का खर्चा कैसे चलाएगी? वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगी, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? अपने घर परिवार में किसी को कुछ बीमारी आ जाती वो कैसे करेगी? अपना सामाजिक खर्चा आ जाते वो कैसे चलाएगी? तो सरकार जो अपनी महिला सशक्तिकरण की बातें कर रही है तो इसमें ये गलत साबित होती है। भाजपा सरकार महिलाओं के विरोध में है, ये हमने देखा, महसूस किया और इसीलिए हमें लगता है कि सरकार नहीं चाहिए हमें। थोड़ी क्षणों ની અંદર આપણા વચ્ચે આપણા લોક લાડીલા ઉમેદવાર જિગ્નેશભાઈ મેવાણી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થવા માટે જઈ રહ્યા છે। તો તમામ મિત્રો, માતાઓ, વડીલોને આપકા શું નામ છે? મેરા નામ जिया है। जिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। कितना दूर आपका स्कूल है यहाँ से? यहाँ से थोड़ा ही दूर 5-6 किलोमीटर। कैसे जाती हैं आप? गाड़ी से। गाड़ी आती है? नहीं, लेने नहीं आती, जाना पड़ता है। दूसरी गाड़ी होती है ना जो यहाँ से वहाँ जाती है, उसमें जाती हैं। गांव की कितनी बच्चियाँ पढ़ती हैं यहाँ पर? 6-7। सारी नहीं पढ़ती हैं? सारी नहीं पढ़ती। क्यों? पता नहीं वो तो। अरे आप तो गांव की ही है ना। पर नहीं जाइए, दिक्कत पड़ती है इसलिए नहीं जाती। अच्छा, जाने आने में दिक्कत पड़ती है? दूर पड़ता है? दूर पड़ता है इसलिए नहीं जाती। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ना चाहती हैं? मैं तो बहुत पढ़ना चाहती हूँ। क्या बनना चाहते हैं? मैं जो नौकरी अच्छी मिले वो ले लूँगी। जो नौकरी अच्छी मिले? हाँ। क्या नौकरी अच्छी लगती है? सभी अच्छी लगती है। सभी? क्या क्या नौकरी सुना है आपने अच्छी वाली? शिक्षिका। शिक्षिका? वकील, IPS, PSI सभी। सभी? अच्छा, अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगती है आपको? औरतों के लिए, बच्चियों के लिए आपको क्या मुश्किल है, क्या होना चाहिए? मेरे लिए तो क्या मुश्किल है, मुझे पढ़ने जाने में बहुत मुश्किलें पड़ती है। पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है ना, वो मुश्किल है मेरे लिए। वो मुश्किल है? वो मुश्किल है। कितनी दूर मतलब आप सारे 6 लोग सब इकट्ठे जाते हैं? इकट्ठे आते हैं? इकट्ठे ही जाते हैं। इकट्ठे जाते हैं। हाँ। 12वीं के बाद कितना दूर कॉलेज है आपका? वो तो 20 किलोमीटर पालनपुर। पालनपुर है कॉलेज? पालनपुर। 20 किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तब तो और मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल होगी। लेकिन घर में लोग चाहते हैं आप पढ़ें? पढ़े चाहते हैं। चाहते हैं? चाहते हैं सभी लोग। सभी लोग। जल्दी शादी नहीं करना चाहते आप? नहीं। अच्छा, ये आपकी मम्मी है? अरे आप इतना पर्दा करेंगी तो कैसे बात होगी आपसे? नौकरी करती है। नौकरी करती हैं? क्या काम करती हैं आप? आशा वर्कर। आशा वर्कर है? हाँ। अच्छा, कब से काम कर रही हैं? कितना पैसा मिलता है? 2000। बस? 14 साल से। 4 साल से? 14। अच्छा, 14 साल से काम कर रही हैं आप और खाली 2000 मिलता है? हाँ। बढ़ाने के लिए बोला नहीं आपने? बोला, कोई बढ़ाया नहीं। कोई बढ़ाया नहीं? तो इस बार चुनाव में क्या लगता है आप वोट डालती हैं? हाँ, कांग्रेस लाना है। कांग्रेस लाना है? क्यों? क्यों? भाजपा ज्यादा पैसा बढ़ाता है, महंगाई बढ़ाती है। हाँ। क्या क्या महंगा हो गया? सब महंगा हो गया। गैस, पहले गैस महंगा हो गया, खाना पीना, तेल, गेहूँ सब महंगा हो गया। लेकिन लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने इतना विकास कर दिया, गुजरात चमचम किया। मोदी जी ने सबको घर बिठा दिया। मोदी जी ने घर बैठा दिया तो इतनी महंगाई बढ़ाई, गरीब लोग क्या खाए? आथीद्रा गामनी जनता ने अहींया सभा मंडप ની અંદર ઉપસ્થિત થવા માટે વિનંતી છે। પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લેશું। જિગ્નેશભાઈ તું આગળ વળો। ગાંધીનગરમાં જે સરકાર હોય એની જવાબદારી ખરી કે નહીં? વડગામ की जनता को मालूम है 25 साल पुरानी यहाँ पानी की किल्लत है। यहाँ के मुक्तेश्वर डैम और करवा तालाब में पानी लाएंगे। 20-25 साल तक भाजपा ने उल्लू बनाया। हम लोगों ने रैलियाँ की, धरने दिए, आवेदन पत्र दिए, लगातार आंदोलन किए। विधानसभा के मंच पर बोला, आज 190 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया हूँ। गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के छापी गाँव में लगवाया हूँ। तो काम लोगों ने देखा हुआ है, पैर जमीन पर है, लोगों की तरह रहता हूँ। 4-4.5 साल घूमने के लिए 4 व्हीलर भी नहीं थी, बस में, ट्रेन में आता था, दोस्तों की गाड़ियों में आता था। मेरे वड़गाम के लोगों को मालूम है, कुछ विधायक 5 करोड़ में, 10 करोड़ में बिक गए। जिग्नेश अपनी जगह पर से हिला नहीं। क्योंकि विधानसभा में आप एक बहुत अहम विपक्ष की आवाज़ हैं और इधर आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा जो कैंपेन खेला है कांग्रेस के खिलाफ और आपके खिलाफ भी, उसमें उन्होंने कहा है कि ये वोट जो है बीजेपी को वोट है क्योंकि कांग्रेस उधर चले जाते हैं जीतने के बाद। आप ये वाला जो वार है, क्योंकि भाजपा तो आपके खिलाफ है ही, लेकिन इधर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सहित बाकी जगहों पे भी, मैं सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रही क्योंकि आप गुजरात के एक अहम लीडर के तौर पे मैं आपको देखती हूँ, ये जो आप कांग्रेस पर और विपक्ष पर ये आरोप है आम आदमी पार्टी सहित भाजपा का कि कांग्रेस ही जीतेंगे और जाएंगे कहीं और। मतलब आपका ये कहना है कि दोनों साथ में मिलकर अटैक कर रहे हैं? भाई दिखाई तो दे ही रहा है, मतलब दोनों के दुश्मन कांग्रेस हैं। दोनों के दुश्मन कांग्रेस हैं जी, ऐसा उनके बयान से तो लग ही रहा है। देखिए, उनकी जो जगह है इस वक्त पे सोशल मीडिया पे है। कल सुबह चुनाव हो जाए, उनकी एक सीट नहीं आ रही है, एक सीट उनकी नहीं आ रही है। तो मैं वो क्या कह रहे हैं उस पर फोकस नहीं करूँगा। कांग्रेस पार्टी हर महीने बेरोजगार युवक युवतियों को 3,000 रुपये का भत्ता देंगी, 10 लाख तक का मेडिकल बीमा मिलेगा, 1 लीटर दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, भूमिहीनों में जमीनों का आवंटन होगा, अच्छे अस्पताल बनेंगे। हम जिन मुद्दों पर खड़े हैं उस मुद्दे, राहुल गांधी ने जो 8 बिंदु द्वारका पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल 1,100-1,200 रुपये में जो गैस का सिलेंडर मिलता है, राहुल गांधी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी का वचन है, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। तो हम इस मुद्दों की बात करेंगे। एक चीज़ जो बहुत खास है, आप अपना सबसे बड़ा चेहरा है यहाँ पे, आपके जितने हमने पोस्टर्स देखे उसमें आप हैं और आपने जो मुद्दे जारी किए, लेकिन सामने मोदी जी हैं, मोदी जी का चेहरा है। हम अहमदाबाद से यहाँ तक आए, या यूँ कहिए पूरे गुजरात में जहाँ जहाँ हम गए सिर्फ एक ही चेहरा है, तो कैसे लड़ाई होगी? इसीलिए लोग थक चुके हैं, मोदी जी का चेहरा देख देख कर पक चुके हैं कि भाई रोज़ सुबह उठो, टीवी चालू करो तो वही, सोशल मीडिया पे देखो तो वही, अखबार निकालो तो वही। तो लोग थक गए, अब बात भी कुछ नहीं कर पा रहे। जनता भी उनके कार्यक्रम में नेचुरली नहीं आ रही है। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी बहन, जीआरएसएफ के जवान, सफाई कर्मी, कांस्टेबल, इनको भर भर के बिठाते हैं टोला दिखाने के लिए। स्वाभाविक रूप से उनको सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्यों? जनता को मालूम है आएंगे और गोला फेंक की गेम चालू होगी, गोला फेंक कर चले जाएंगे। गोला फेंकेंगे यानी? हाँ, मतलब झूठ बोलेंगे और क्या करेंगे, इतना दूंगा, ये कर दूंगा, सब चला। खाते में न 15 लाख आए, न 2 करोड़ रोजगार मिला, न महंगाई कम हुई, कुछ नहीं हुआ।